जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीचन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीचन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव 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 राधा माधव जय राधा माधव जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद हरे कृष्ण जय श्री राधा माधव भगवान की जय पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के हमारे श्रीमद् भागवतम क्लास में। सो आई रिक्वेस्ट दोज डिवोटीज हु कैन टर्न ऑन देयर वीडियोस, जो भक्त अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो आप प्लीज़ अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि हम आई कांटेक्ट रख सकें। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा सबको देख करके कथा करना, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है जस्ट मैं स्क्रीन को बोल रहा हूँ नॉट टू एनी पर्सन।
वीडियो अगर ऑन रहे भक्तों का तो काफी अच्छा रहता है। ओके सो आई विल स्पॉटलाइट द वीडियोस फॉर समवन अगेन। गिरधर गोपाल जी, हरे कृष्णा। आज आपके दर्शन हुए काफी समय बाद। और रितंबरा माता जी, हरे कृष्णा। लवीना खारे माता जी, हरे कृष्णा। वैभव भाला जी, हरे कृष्णा। आरसी गुप्ता जी, हरे कृष्णा। अभा पारिक माता जी, हरे कृष्णा। और उन भक्तों को भी हरे कृष्णा जो किसी कारणवश अपना वीडियो नहीं कर पाएंगे। आज की हम चर्चा शुरू करेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, तो लास्ट टाइम हमने सुना था कि किस प्रकार से महाराज परीक्षित को श्राप मिला ब्राह्मण पुत्र के द्वारा, और महाराज परीक्षित ने बिना रिटेलिएट किए, बिना कोई जो है प्रतिरोध किए, उन्होंने उस श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसको भगवत कृपा मान करके उन्होंने स्वीकार किया और वो घर बार त्याग करके जंगल के लिए निकल पड़े। और श्राप क्या मिला था? श्राप ये मिला था कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नामक सर्प आएगा और उसके काटने के कारण आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप परीक्षित महाराज को दिया। किसने दिया? श्रृंगी ऋषि ने दिया। श्रृंगी ऋषि जो कि शमिक ऋषि के पुत्र थे, भूख प्यास के कारण जो है परीक्षित महाराज जंगल में आखेट में थे। भूख प्यास के कारण वो जो है ढूंढ रहे थे पानी आदि, तो उन्होंने देखा कि कहीं कुटिया है, वहां पर एक ऋषि बैठे हैं ध्यान में। तो वहां गए और उन्होंने पानी के लिए ढूंढा, पानी कहीं मिला नहीं, तो कम से कम वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि घर में हम आए हैं, हम राजा हैं, तो कम से कम 2 मीठे वचन तो बोले, पानी तो पिलाएं। इतना कैसा ध्यान में, इतना कौन सा ध्यान में मग्न है। तो उनको काफी कुछ लग रहा था कि ये जो है आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो प्यास के कारण थोड़ा झुंझलाहट थी, क्रोध था, तो उन्होंने जो है विचार किया कि अगर ये वास्तव में ध्यान में है, अगर ये ढोंग कर रहे हैं तो पता चल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ कोई मरा हुआ सांप पड़ा था, तो उसको धनुष के कोने से उठा करके और उनके गले में डाल दिया। ये बात जो है श्रृंगी को अपने ब्रह्म तेज से मालूम चली, तो उसको बड़ा क्रोध आया कि मेरे पिता के साथ में ऐसा अपमान किया इस दुष्ट राजा ने। अभी अभी तो कृष्ण जो हैं सारे दुष्ट राजाओं को संहार करके गए हैं, कंस जैसे राजाओं का, अभी और दुष्ट राजा आ गए। तो उन्होंने जो है वहीं से खड़े खड़े श्राप दे दिया। तो जब घर आए और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से मेरे पिता के गले में अभी भी वो सांप ऐसे कि ऐसे पड़ा है, वहां आकर के विलाप करने लगे। उनकी विलाप की आवाज सुन करके जो है पिताजी शमिक ऋषि की आंखें खुली। तो उन्होंने आंखें खोली तो देखा मरा हुआ सांप पड़ा। उन्होंने कोई डरे नहीं, उन्होंने बस ऐसे निकाल के उसको साइड में पटक दिया और पूछा कि पुत्र क्या हुआ। तो पुत्र ने सारा घटनाक्रम बताया। ओहो, पिताजी जो है ये बात सुनकर के काफी चकित हो गए कि तुमने तो ये बड़ा महान अपराध कर दिया। परीक्षित महाराज जैसे शुद्ध राजा, शुद्ध भक्त, उनके साथ में तुमने ऐसा आचरण किया है, बिल्कुल उचित नहीं है, इसका तुम्हें अपराध लगेगा। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करो इस प्रकार के महाअपराध से। क्योंकि भक्त तो अपराध नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान अपराध मान लेते हैं, तो भगवान से ही प्रार्थना करने लगे। फाइनली वहां पर समाचार भेजा परीक्षित महाराज के पास कि ऐसा ऐसा हुआ है। जैसे परीक्षित महाराज को मालूम चला, यद्यपि परीक्षित महाराज पूर्ण रूप से सक्षम थे, उस श्राप को वो काट सकते थे और बदले में श्रृंगी को भी श्राप दे सकते थे, लेकिन परीक्षित महाराज भक्त होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसको भगवत इच्छा मान करके सहर्ष स्वीकार किया, इसको सु अवसर माना। सांसारिक गतिविधियों से, संसार से मुक्त होने का उन्होंने एक सु अवसर माना कि बड़ा अच्छा मौका है, और इसको सु अवसर मान करके ये सब पूरा अच्छे से विचार करके उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य
सौंप दिया, राजकारभार पुत्र को सौंप दिया और फिर वो यमुना के तट पर आ गए। मैंने मिस्टेकनली उसमें गंगा के तट पे लिखा है, लेकिन कई जगह पे भागवत में भी ऐसा कहा गया है कि वो गंगा के तट पर जो है संवाद हो रहा है, भागीरथी के तट पर संवाद हो रहा है, और कई जगह पर ये लिखा गया कि यमुना के तट पर संवाद हो रहा है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता कि गंगा के तट पर हुआ या यमुना के तट पर हुआ। गंगा यमुना दो अलग अलग नदियां हैं। कई जगह पे लिखा है कि गंगा किनारे संवाद हो रहा है, कई जगह लिखा कि नहीं यमुना किनारे संवाद हो रहा है, तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस संदर्भ में आचार्य कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो गंगा और यमुना में कोई भेद नहीं है। गंगा कई 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 स्थानों पर यमुना को भी गंगा कहकर के संबोधित किया गया है, ऐसा आचार्य गण मत देते हैं। तो इसलिए चाहे यमुना का वृतांत यमुना के विषय में लिखा हुआ है या गंगा के विषय में लिखा हुआ है, तो दोनों को ही सही मानना चाहिए। तो जो है वो गंगा किनारे आ गए, यमुना किनारे आ गए, और वहां पर उन्होंने मृत्यु पर्यंत उपवास रखने का, उपवास करने का दृढ़ व्रत लिया और एकाग्र मन से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में वो ध्यान लगाने लगे। इस बात का ये जो बात है, ये समाचार पूरे ब्रह्मांड में तेजी से फैल गया। जैसे आजकल BBC या फिर ये CNN और बड़े बड़े न्यूज हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, इतने बड़े बड़े न्यूज पेपर हैं, जैसे कोई घटनाक्रम होता है विद इन अ सेकंड फट से जो है सबके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाता है, अगले दिन अखबार में आ जाता है, बिल्कुल जो है आग की जैसे खबर फैल जाती है। जैसे काबुल में ब्लास्ट हुआ तो तुरंत जो है एक ही सेकंड में हर जगह खबर पहुंच गई वह काबुल में ब्लास्ट हो गया। तो ऐसे ही जो है परीक्षित महाराज को जैसे श्राप मिला तुरंत जो है ये सारी खबर ब्रह्मांड में फैल गई। तो ये समझ में नहीं आया कि भाई ब्रह्मांड में फैल गई, यहाँ तो खबर फैलती है तो ज्यादा ज्यादा इसी संसार में फैलती है, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ जाएगी, वहां कौन सा सेटेलाइट आ गया, चंद्र ग्रह पे या फिर मंगल ग्रह पे या फिर स्वर्गलोक में ब्रह्मलोक, वहां कैसे खबर पहुंचेगी। तो क्या कोई बड़े बड़े एंटीना लगे हुए हैं वहां पर कि यहाँ से वहां टेलीकास्ट हो जाती है खबर। तो दरअसल ये जितने भी बड़े बड़े ऋषि महात्मा हैं जो हायर प्लेनेट्स में रहते हैं, उनके वास्तव में एंटीना इतने शार्प है कि इस धरती पे क्या चल रहा है उनको पल पल की खबर रहती है। दे हैव वेरी हाई एंटीनास। तो एंटीनास इन द सेंस उनका जो ब्रेन है वो सेंस है वो दैट्स वेरी वेरी हाई। तो दे कुड सी, देवी देवता जो है जो ऊपर के हायर प्लेनेट्स में रहते हैं, दे कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन, इवन दे आर सो पावरफुल कि दे कैन सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। इतने पावरफुल होते हैं बड़े बड़े देवी देवता, ब्रह्मा चंद्र वरुण, इन सब में इतनी पावर तो होती है क्योंकि बिकॉज दे आर इन द मोड ऑफ गुडनेस। व्हेन समबडी इज इन द हायर मोड ऑफ गुडनेस देन उनके जो ब्रेन जो है पूरी तरह से खिल जाता है, खुल जाता है अच्छे से। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप सत्वगुण में स्थित हैं, when one is in mode of goodness he can see things as they are, he can see things as they are, इसका मतलब अभी हम as they as जैसे चीजें वैसे देख नहीं सकते। तो जैसे मैं अभी इस करताल को देखता हूं तो क्या ये करताल नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में, तो सत्वगुण में आऊंगा तो क्या मुझे करताल से कुछ और दिखाई देगा। what does it mean कि जो है he can see things as they are। प्रभुपाद जी इस चीज को कई जगह पे लिखते हैं, when somebody is brahmana and he is in mode of goodness then he can see things as they are, यथारूप वस्तुओं को वो देख सकते हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि they can see things in that angle from that perspective which we cannot see। हम जिस दृष्टि से देखते हैं वो दृष्टि हमारी दृष्टिकोण ही अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो हमें कोई बहुत सुंदर फूल दिखता है, ओह सो ब्यूटीफुल आई शुड हैव इट, और आई शुड हैव इट फॉर माई गर्लफ्रेंड, आई शुड हैव इट फॉर माई वाइफ, आई शुड हैव इट फॉर माई चिल्ड्रन, मतलब मैं या जो मेरे से संबंधित है उनके लिए ये होना चाहिए। तो दृष्टि उस फ्लावर को ही देख रहा है बंदा, लेकिन वो देख रहा है किस दृष्टि से, भोग की दृष्टि से। और भक्त जब उस पुष्प को देखता है, आह कितना सुंदर पुष्प है, भगवान ने कितना सुंदर बनाया है उसको, इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग है। जब हम पुष्प को सूंघते हैं, एक बार श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने पुष्प दिया, प्रभुपाद जी ने उस पुष्प को सूंघा, प्रभुपाद जी क्या क्या बोलते हैं ऐसे करके,
दिस इज कृष्णा। अब वो उस स्मेल को स्मेल नहीं समझ रहे हैं, वो स्मेल को कृष्ण समझ रहे हैं, मतलब ही इज ऑल्सो सीइंग द सेम थिंग विच वी सी, बट ही इज सीइंग इन अ डिफरेंट वे एंड वी सी इन अ डिफरेंट वे। तो व्हेन समबडी इज इन रियली इन हायर मोड्स देन ही कैन सी और परसीव थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। तो सिमिलरली जो दो डेमिगॉड्स है, देवी देवता है, वो अलग प्लेटफॉर्म पर है, सो दे कैन सी एंड परसीव इन अ डिफरेंट वे। तो यहाँ पर हम लोग तो भौतिक हैं, ग्रॉस हैं, तो हमारी जितनी भी न्यूज भी स्प्रेड होती है तो ग्रॉस लेवल पे स्प्रेड होती है, लेकिन पहले के जमाने में जो न्यूज स्प्रेड होती थी वो सेलेस्टियल लेवल पे, दिव्य लेवल पे स्प्रेड होती थी, और वो अलग ही स्पीड में, इतनी स्पीड में होती थी कि ब्रह्मलोक तक खबर पहुंच जाती थी। तो जैसे ही जो है परीक्षित महाराज जमुना जी के तट पे आए या गंगा जी के तट पे आए, वहां बैठ करके मरणासन, उन्होंने मतलब मरणासन अन्नशन का वो जो है व्रत ले लिया कि जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक अन्नशन करेंगे, कोई पानी नहीं पीना है, कोई वो नहीं खाना है, खाना नहीं खाना है, बिल्कुल दृढ़ व्रत हो गए। तो ये खबर तुरंत फैल गई चारों तरफ। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो सतलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, वहां पर जो बड़े बड़े साधु महात्मा रहते हैं, वो सब अपने अपने शिष्यों के साथ में वहां पर आ गए। कहां आ गए? जहां परीक्षित महाराज बैठे थे। और किस बहाने से आए? चलो 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 तीर्थ करके आते हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि अरे किसको, अरे कोई मरने जा रहा तो मरने जा रहा उसको देखने के लिए जा रहे हो तो कितना अजीब लगेगा। तो बहाना क्या लिया? चलो तीर्थ करने चलते हैं। तीर्थ करने के बहाने से, तीर्थाटन के बहाने से महान महान ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। वे भली भांति जानते थे कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमद् भागवत के कथाकार हैं, वो वहां पर श्रीमद् भागवतम की कथा करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि वो ये देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, और वो ये भी देख सकते हैं कि क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है। तो दे कुड अंडरस्टैंड दैट समथिंग ग्रेट इज गोइंग टू हैपन देयर, वहां कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है? श्रीमद् भागवत की कथा होने वाली है। भक्तों के लिए तो जहां कथा होती है वो ऐसे भागते हैं जैसे फ्री में कोई टॉफी बट रही हो कहीं पे। जब बच्चों को बताया कि वहां फ्री टॉफी बट रही है, ऐसे भागेंगे वो, तो वैसे जो भक्तों को मालूम चला है वहां कथा चल रही है, तुरंत भागेंगे वहां पर। तो सब के सब संत महात्मा वहां पर भाग करके आने लगे। क्यों? क्योंकि वहां भागवत कथा होने वाली है। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित जो है वो अनेक महान ऋषियों जैसे नारद मुनि, श्रील व्यास देव भी वहां पर आए, भृगु ऋषि आए, वशिष्ठ ऋषि आए, पराशर मुनि, व्यास देव के पिता श्री पराशर मुनि वहां पर आए, और अत्रि मुनि आए, विश्वामित्र आए, अंगिरा ऋषि आए, परशुराम जी भी आए, भारद्वाज ऋषि आए, गौतम ऋषि आए, च्यवन मुनि आए। च्यवन मुनि की कथा आगे जाके आएगी भागवत में, बड़ी सुंदर कथा आती है च्यवन मुनि की। च्यवन मुनि के विषय में अगर किसी ने सुना हो तो वो इतने महान तपस्या में रत हो गए थे कि उनको ध्यान करते करते उनके शरीर में बहुत सारी दीमक चढ़ गई थी। जैसे वाल्मीकि ऋषि का आता है तो वैसे ही जो है इनके भी शरीर में बहुत सारी दीमक चढ़ गई थी। बस इतनी सारी दीमक चढ़ गई, केवल उनकी आंखें जो है खुली हुई थी, आंखों पर दीमक नहीं आई, बाकी पूरे शरीर में दीमक ही दीमक हो गई थी। उनकी आंखें ऐसे लगती थी जैसे कोई दीमक के ढेर में किसी ने दो जो है हीरे रख दिए हो, ऐसा लगता था उनकी आंखों को देख करके। तो हुआ क्या, आई थिंक वो कथा फिर बाद में ही करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है च्यवन ऋषि की। असल में जितने भी ये ऋषियों के नाम लिए जा रहे हैं, हर ऋषि के कोई ना कोई महान कारनामे हैं, महान उनकी जो है कोई ना कोई गतिविधि है, जिसके विषय में अगर हम चर्चा करें तो घंटों घंटों निकल सकते हैं। तो अत्रि मुनि, अंगिरा ऋषि, विश्वामित्र, परशुराम, भारद्वाज, गौतम ऋषि, च्यवन ऋषि, शरद्वान ऋषि, उत्तथ्य ऋषि, मैत्रेय ऋषि, औरव ऋषि, ऐसे बहुत सारे ऋषि महात्मा और कई सारे राजा महाराजा वहां पर आ गए, और परीक्षित महाराज इन सब ग्रेट पर्सनालिटीज के बीच में घिरे हुए थे। जैसे एक गुड़ के चारों तरफ बहुत सारे चींटे मंडराने लग जाते हैं तो जैसा सीन बन जाता है, तो ये उपमा मतलब ऐसा नहीं है कि वो सब चींटों के समान है, ये तो जस्ट टू अंडरस्टैंड ये उपमा दी जा रही है कि ऐसा एक माहौल बन गया, चारों तरफ सबके सब फैल गए परीक्षित महाराज के सामने वहां पर, और सब उनके दर्शन कर रहे हैं और विचार करने लगे वहां पर, और सब अभिनंदन करने लगे परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज
ने परीक्षित महाराज ने सबका सबसे पहले अभिवादन किया, उनका अभिनंदन किया, और इस संसार से प्रयाण करने के पहले करने से पहले जाने अनजाने किसी से भी अपराध जो हो गया हो उससे क्षमा मांगने लगे। दरअसल हम सबको जो है सदैव क्षमा मांगनी चाहिए। इवन सोने से पहले जो है हमें प्रणाम करना चाहिए। जैसे हम वैष्णव जगत में जो है, जो वैष्णव हैं, जो वैष्णव सिद्धांत की पालना करते हैं, हमारा ये सिद्धांत है कि हम रोज सुबह मंगला आरती के बाद में हम प्रणाम करते हैं और एक मंत्र हम लोग बोलते हैं। हम लोग मंत्र बोलते हैं, वांछा कल्पतरुभश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये हम इस तरह से ये मंत्र इसलिए बोलते हैं ताकि अनजाने में भी अगर हमारे से कोई अपराध हो गया हो किसी के प्रति तो हमें क्षमा कर दे। तो परीक्षित महाराज जब अपना प्रयाण करने जा रहे हैं, शरीर त्यागने जा रहे हैं, तो सबसे जो है सबको प्रणाम कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, और सबसे कह रहे हैं कि मेरे से जाने अनजाने कोई भी अगर अपराध हो गया हो तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दें। तो दरअसल में ये महानता, ऐसे महान भक्त जो एक चींटी को भी नहीं मारना चाहते, चींटी के सामने आती है तो उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके मन में ये भाव रहता है कि ये चींटी नहीं, वास्तव में ये मंदिर है। एक भक्त के मन में जब वो किसी भी जीव को देखता है, जो शुद्ध भक्त है, महात्मा लेवल के, हम जैसे तो दुरात्मा है, हमें तो मच्छर ही बैठे तो पट से उसको मार देते हैं हम लोग तो, लेकिन परीक्षित महाराज जैसे जो महान आत्मा है, महात्मा है, वो जब किसी को देखते हैं तो वो उस व्यक्ति को नहीं देखते हैं, वो भगवान के दर्शन करते हैं। इसलिए एक कहा, एक चैतन्य चरितमृत में श्लोक आता है, स्थावर दंगम स्थावर जंगम देख न देख तार मूर्ति सर्वत्र प्रकाश होए तार निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो जब महान भक्त किसी भी वस्तु को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, तो उस व्यक्ति को नहीं देखते, वो अपने इष्ट देव को देखते हैं। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में कौन बैठा है? परमात्मा बैठे हैं। अब भगवान जहां बैठते हैं वो स्थान क्या कहलाता है? वो स्थान मंदिर कहलाता है। तो जब भक्त किसी के शरीर को देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि ये चलता फिरता मंदिर है, मोबाइल टेम्पल, जैसे आजकल आते हैं ना, चलता फिरता बुक स्टॉल, चलता फिरता फूड स्टॉल, लाइक दैट, चलता फिरता मंदिर है। क्यों? क्योंकि उसमें साक्षात भगवान बैठे हैं। तो परीक्षित महाराज जैसे भक्त जो है चींटी को भी देखते हैं तो उसको भी प्रणाम करते हैं, पहले उसको रास्ता देखते हैं फिर खुद आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे महान भक्त भी हमें अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि हमें क्षमा मांगना चाहिए, स्पेशली जब मृत्यु का समय आ गया हो तो हमें क्षमा मांगना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने भी अपने जीवन में ये उदाहरण प्रस्तुत किया। श्रील प्रभुपाद जब शरीर त्याग करने वाले थे तो उस समय श्रील प्रभुपाद अपने सभी गुरु भाइयों को, बड़े बड़े से जितने भी उनके संपर्क में थे, सबको बुलाते थे और सबको बुला करके हाथ जोड़ करके उनसे कहते थे कि मेरे से कोई भी अपराध हुआ हो मुझे क्षमा कीजिएगा, आई एम ए ऑफेंडर, आई नो आई एम ए ऑफेंडर, प्लीज एक्सक्यूज मी। और सब बोलते थे, अरे प्रभुपाद जी आप कहाँ अपराध करोगे, हम जैसे दुष्ट व्यक्ति अपराध कर सकते हैं, आप तो महात्मा है, अपराध तो आपको छू भी नहीं सकता है। लेकिन फिर भी ये महात्मा जो है, बड़े बड़े संत हैं, वो अपने उदाहरण से हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें जीना चाहिए। तो परीक्षित महाराज सबका अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और सबसे जो है क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा कीजिए। तो सभा में जब सब अपने अपने आसन ग्रहण कर लिए, सब अपने अपने आसन पर बैठ गए, तो महाराज परीक्षित खड़े हो गए, खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे कि मैं अपने परिवार अपने पारिवारिक जीवन तथा शाही ऐश्वर्य से अत्यधिक आसक्त हो गया था, इसलिए मुझ पर विशेष कृपा करते हुए भगवान इस ब्रह्म शाप के रूप में मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। ये जो ब्रह्म शाप मतलब ब्राह्मण का शाप, इस ब्राह्मण पुत्र ने जो श्राप दिया है, असल में मैं बहुत आसक्त होने लग गया था अपने परिवार में और अपने सांसारिक राजशाही जीवन, तो भगवान मेरी आसक्ति को काटने के लिए ब्रह्म श्राप के रूप में आए हैं। ब्रह्म श्राप के रूप में, ब्राह्मण पुत्र के द्वारा दिए गए श्राप के रूप में भगवान आए और मुझे जो है वो बचा रहे हैं। तो इसीलिए हे ब्राह्मणों, वहां जितने भी संत आए हैं उनको कह रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, कृपया मैं पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हूं, कृपया मुझे स्वीकार करें।
आई एम ए सरेंडर्ड सोल, प्लीज एक्सेप्ट मी। मैंने अपने हृदय में एकमेव श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया और दूजा कोई नहीं। माम एकम शरणम ब्रजः, केवल कृष्ण की शरण ली है। मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम। भगवान के, भगवान में पूरी तरह से मैंने अपना चित्त लगा लिया है, पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों में मैंने आश्रय ले लिया है। अब चाहे तक्षक मेरा मुझे तत्क्षण भी अभी आकर के तक्षक मुझे क्यों न डस ले, मेरी बस यही एकमात्र इच्छा है कि आप सब निर्वाध भगवान विष्णु की महिमाओं को गाते रहें। आप डरे नहीं, अगर मुझे तक्षक आके डस ले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो बिना किसी बाधा के निर्वाध होकर के भगवान विष्णु की महिमाओं का गान करते रहें, क्योंकि मैंने भगवान के श्री चरणों में पूर्ण रूप से आश्रय ले लिया, मुझे डर नहीं है इस बात का। मैं आप सबको नमन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यदि पुनः इस संसार में मेरा जन्म अगर बंधा है, मेरा जन्म वापस से हो तो वैसा होने दो, कि मेरी एकमात्र यही कामना है, मेरा अगर अगला जन्म भी हो तो मेरी एकमात्र यही कामना है कि सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति मेरी आसक्ति बनी रहे और मुझे भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। पिछली बार भी हमने पढ़ा था भक्तों का संग प्राप्त होता रहे, शौनक आदि ऋषि भी कह रहे हैं भक्तों का संग, श्रुत गोस्वामी कह रहे हैं भक्तों का संग, नारद मुनि कह रहे हैं भक्तों का संग, अब यहाँ परीक्षित महाराज भी कह रहे हैं भक्तों का संग। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, भक्तों का संग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान के चरण कमलों में आसक्ति और भक्तों का संग। कोई कह सकता है कि भक्तों के संग की क्या जरूरत, जब भगवान के चरण कमलों में आसक्ति ही हो गई तो भक्तों का संग की क्या आवश्यकता है, भक्तों का संग तो इसलिए किया जाता है ताकि जो है भगवान के चरण कमलों में आसक्ति हो जाए, तो इसका अर्थ ये नहीं है। भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें जब आप साध्य कर लेते हैं तो साधन को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, साधन साथ साथ चलता जाता है। जब आपको भगवान चरण कमलों में ध्यान लगने लग गया तो इसका अर्थ नहीं है कि आप जप करना छोड़ दें, आप नियमों की पालना करना छोड़ दें, आप भक्तों का संग छोड़ दें, आप प्रसाद खाना छोड़ दें, आप भगवान के दर्शन करना छोड़ दें, आप कृष्ण की कथा सुनना छोड़ दें, नहीं। भले ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का नित्य हृदय में ध्यान होता है, फिर भी इन सब चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए। यही सब चीजें हैं जो हमारी भक्ति को पोषण देती हैं। जैसे आपने कोई बीज बोया और पानी देते रहे देते रहे देते रहे, अल्टीमेटली वो अंकुर फूट करके बाहर आ गया, पौधा बन गया, तो अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसमें पानी देना बंद कर दें। आप पानी देना बंद नहीं करेंगे, आप पानी देना कंटिन्यू रखेंगे ताकि वो बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। उसी प्रकार से जब हमारा मन चाहे कृष्ण के चरणों में लगने लग जाए, बैठे बैठे ही कृष्ण का स्मरण होने लग जाए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इन सारे साधनों को छोड़ दें। फिर भी हमें भक्तों का संग चाहिए, फिर भी हमें भगवान का प्रसाद चाहिए, फिर भी हमें कृष्ण की कथा चाहिए, फिर भी हमें कृष्ण के दर्शन चाहिए, ये सब चीजें आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है ये सब चीजें। तो परीक्षित महाराज यहाँ कह रहे हैं कि भले ही तक्षक मुझे आके ढस ले, मेरा मन कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ है, और अगर मेरा अगला जन्म बंधा हुआ है, मेरा अगला जन्म अगर होगा तो मैं यही कामना करता हूं कि मेरा चित्त सदैव कृष्ण के चरणों में लगा रहे और भक्तों का संग मुझे प्राप्त होता रहे। मैं यहाँ पर मृत्यु पर्यंत व्रत लेने के लिए बैठा हुआ हूँ, व्रत लेकर के बैठा हुआ हूँ, और आपसे अपना सर्वोच्च कल्याण मार्ग जानने का इच्छुक। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि मैं आप बताइए मेरे लिए सर्वोच्च कल्याणकारी क्या है। दरअसल में परीक्षित महाराज तो जानते हैं उनके लिए सर्वोच्च कल्याणकारी क्या है, लेकिन वो हम जैसे दुष्टों को सिखाना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति मरणासन्न हो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है। लेकिन परीक्षित महाराज में और हमारे में बहुत डिफरेंस है। परीक्षित महाराज के पास तो फिर भी 7 दिन का, उन परीक्षित महाराज को 7 दिन की गारंटी मिल गई, 7 दिन तक तो उनकी मृत्यु होने वाली है ही नहीं, उनकी मृत्यु होने वाली है 7 दिन के बाद या जो भी 7वें दिन, उनको तो गारंटी मिल गई, लेकिन हमारी कोई गारंटी नहीं है।
कोई गारंटी नहीं है कल का सूरज दिखेगा या नहीं दिखेगा। खैर नेगेटिव बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी फैक्ट तो यही है, वी हैव नो गारंटी, कोई इंश्योरेंस नहीं है हमारा। लाइफ इंश्योरेंस बना देते हैं कि जीवन का जो इंश्योरेंस हो गया, लेकिन कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कब टपक जाए। तो इसलिए अपने को हमेशा ये भाव रहना चाहिए कि हम मरणासन्न हैं। परीक्षित महाराज जब ये प्रश्न पूछ भी रहे हैं कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो दरअसल ये हमारे लिए है कि हमें हर क्षण क्या करना चाहिए, क्योंकि तो हम हर क्षण मरणासन्न हैं। मृत्यु यहाँ पीछे बैठी है, बस उसको छलांग लगा करके सामने आने की देरी है। एनी टाइम शी कैन जम्प एंड कम इन फ्रंट ऑफ अस। तो हम लोग मरणासन्न नहीं है, तो हर क्षण हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली परीक्षित महाराज हमारे लिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो तो पूछ रहे हैं कि सर्वोच्च कल्याण का कल्याण क्या है, मैं उसको जानने का इच्छुक। अब यह कह करके महाराज परीक्षित गंगा के दक्षिण तट पर, गंगा का जो दक्षिण तट था, दाएं तरफ का जो तट था, वहां पर बैठ गए और उत्तर की उत्तर दिशा में उन्होंने मुख कर लिया, उत्तराभिमुख होकर बैठ गए। कुश घास से, कुशा घास से जो बना हुआ आसन की जो जड़ें हैं वो पूर्व दिशा की ओर थी, क्योंकि जब भी कुश घास के आसन पे बैठते हैं तो जड़ें उनकी पूर्व दिक में होनी चाहिए और अपना मुख जो है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। तो राजा के दृढ़ निश्चय को देख करके स्वर्ग के देवता लोग भी नगाड़े बजाने लग गए और ऊपर से पुष्प वर्षा करके अपना हर्ष व्यक्त करने लगे। यह फिर वहां पर एकत्र जो ऋषि मुनि थे उन सब ने महाराज परीक्षित की प्रशंसा की। हे राजन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अपने राज्य का परित्याग किया है। जब तक आप अपने इस मृत शरीर को त्याग कर भगवान के परम धाम को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम लोग यहीं बैठ करके रहेंगे। श्री कृष्ण के विषय में सुनने को इच्छुक महाराज परीक्षित ने एक बार फिर से ऋषियों से पूछा। क्या पूछते हैं? कि आपका जीवन तो सदैव दूसरों के कल्याण में रहता है। वास्तव में महात्माओं का यही कर्तव्य, वो अपने कल्याण के लिए इतना ज्यादा नहीं सोचते, वो दूसरों के कल्याण के लिए सोचते हैं। प्रहलाद महाराज भी यही कहते हैं, सोचे ततो विमुख चेतसा। जो विमुख चेतसा है, जिनकी चेतना जो है अपने से विमुख होकर, भगवान से विमुख होकर के संसार में लगी हुई है, ऐसे व्यक्तियों को देख करके मुझे दुख होता है, मैं इनके कल्याण के विषय में सोचता हूँ। हे नरसिंह भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन लोगों का भी उद्धार कर दीजिए, भले ही आप मुझे ही संसार में रख दीजिए, इन सबके पाप मुझे दे दीजिए, लेकिन आप इन सबका उद्धार कर दीजिए। ये वास्तव में भक्त का भाव होता है। इसलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज को सारे ऋषि मुनि कह रहे हैं एक स्वर में कि आपका जीवन तो सदैव दूसरों के कल्याण में रत रहता है। सॉरी, परीक्षित महाराज यहाँ पर ऋषि मुनियों को कह रहे हैं कि आपका जीवन जो है सदैव दूसरों के कल्याण में रत रहता है, और इसलिए आप यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं दूसरा हूँ और मेरे कल्याण के लिए आप यहाँ पर एकत्र हुए हैं। कृपा करके मुझे बताइए कि प्रत्येक परिस्थिति में, इन एवरी कंडीशन, मनुष्य का सर्वोत्तम कार्य क्या है? व्हाट इज द टॉप मोस्ट ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इन एवरी सिचुएशन? और विशेष रूप से उस व्यक्ति का मुख्य कार्य क्या है जो मरणासन्न है, हु इज गोइंग टू डाई। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि कोई गारंटी नहीं है, कभी भी मर सकते हैं। तो एवरीबॉडी इज गोइंग टू डाई, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मे बी टुडे, मे बी टुमारो, मे बी आफ्टर अ ईयर, मे बी आफ्टर 2 ईयर, मे बी आफ्टर 10 ईयर्स, मे बी आफ्टर 20 ईयर्स, मे बी आफ्टर 100 ईयर्स, वट एवर, बट नो बडी इज गोइंग टू स्टे फॉर एवर। कोई भी परमानेंट नहीं रहता है यहाँ पर। कृष्ण गीता में भी कह दिया, उन्होंने स्टैंप लगा दिया, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम्, जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए फिर, विशेषतया उस व्यक्ति को जो मरने वाला है, डेथ बेड पर है, उसको क्या करना चाहिए। तो महाराज परीक्षित भली भांति परिचित थे कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही प्रत्येक जीव का सनातन धर्म है, परंतु वे समस्त ऋषि मुनियों के मुखारविंद से इसकी पुष्टि करना चाहते थे, जिससे वे निर्विरोध रूप से इसका पालन कर सके। जिस प्रकार विभिन्न चिकित्सक, कई सारे जो डॉक्टर्स होते हैं, वो एक ही रोगी को अलग अलग दृष्टिकोण से वो उसका जो है वो इंस्पेक्शन करते हैं,
तो उस सभा में ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि महाराज परीक्षित के प्रश्न को लेकर ऋषि मुनियों के भिन्न भिन्न मत हो। जब वे सब आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, एक्चुअली जैसे कोई डिजीज अगर किसी को तो, और उस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए अगर 5-6 डॉक्टर्स हों तो हर डॉक्टर अपने अपना जो है थोड़ा डिफरेंट आइडिया देगा, नहीं ये इसको ये डिजीज इसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं नहीं इसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए, नहीं वो वाला ट्रीटमेंट ट्राई करना चाहिए, सब अपने अपने मत देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि सारे ऋषि मुनि जो है, जब परीक्षित महाराज ने पूछ लिया कि क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो सब के सब अपने अपने मत दे रहे हैं। कोई कहता है कि जो है गोदान करना चाहिए, कोई कहता है कि गीता पाठ करना चाहिए, तो कोई कहता है कि आपको जो है गंगा जल पीना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, ये मतलब तुलसी पूजा करनी चाहिए, ऐसे कई सारे अलग अलग सब लोग अपने अपने तरफ से इंस्पेक्शन करके बता रहे हैं। तो जब इस तरह से आपस में विचार विमर्श चल रहा था, कर ही रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से वहां पर श्रील सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। चर्चा चल ही रही थी, वहां पर कौन पधारे? सुखदेव गोस्वामी पधारे। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी के पिता श्रील व्यासदेव जी जानते थे कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जो है सुखदेव जन्म लेते ही घर से चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने गर्भावस्था के दौरान उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया था। श्रीमद् भागवत संपूर्ण वैदिक मानमय का परिपक्व फल है, और चूंकि सुखदेव गोस्वामी समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त थे, श्रील व्यासदेव ने इसका ज्ञान देने के लिए उनका ही चुनाव किया। तो सुखदेव गोस्वामी किसके पुत्र हैं? सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी का एक नाम है वैयासकी, यानी व्यासदेव के पुत्र। तो एक बार जब वो सुखदेव गोस्वामी उनके गर्भ में थे, माता के गर्भ में थे, इनके व्यासदेव की जो पत्नी थी उनके जब गर्भ में थे, तो उस समय व्यासदेव जी जान गए थे कि ये जो है बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा महात्मा है, तो ये गर्भावस्था में ही, और उनको ये भी पता चल गया था कि जैसे ये गर्भ से बाहर निकलेगा ये कुछ जात कर्म संस्कार वगैरह नहीं करेगा, ये चुपचाप बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाएगा संन्यास लेकर के, जन्म लेते ही संन्यास ले लेगा ये, क्योंकि व्यासदेव तो त्रिकालज्ञ थे, ही कुड सी एवरीथिंग। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं इसको गर्भ में ही भागवत सुना देता हूँ। तो पूरी की पूरी भागवत जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई, वो पूरी भागवत व्यासदेव ने वहीं बैठ करके गर्भ में सुखदेव गोस्वामी को सुना दी, और सुखदेव गोस्वामी ने उसको आत्मसात भी कर लिया। दरअसल ऐसा कहा गया कि सुखदेव गोस्वामी भागवत सुनने से पहले ब्रह्मवादी थे, यानी वो भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते थे, वो सोचते थे कि सब ब्रह्म है, निराकार है, सब निराकार है, कोई भगवान परम सत्य का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो तो एक ज्योति है बस, उसमें विश्वास करते थे। लेकिन जब गर्भ में उन्होंने भागवत सुनी, भागवत सुनने के बाद वो फिक्स हो गए कि नहीं, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम सर्व ईश्वर परमा कृष्ण एते चामस्कला पुमसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे अच्छे से समझ गए थे कि कृष्ण ही परम भगवान है। फिर उनको डर लगने लग गया, तो वो गर्भ से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो श्रीमद् भागवतम वास्तव में सारे वेदों का परिपक्व फल है, मैच्योर्ड फ्रूट है। तो क्योंकि सुखदेव सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त थे, इसीलिए श्रील व्यासदेव ने इनको ही ये ज्ञान देने के लिए चुन लिया। तो जन्म लेते ही सुखदेव गोस्वामी अपने घर से निकल गए, पर दरअसल पहले तो जन्म ही नहीं ले रहे थे। वो आएगा आगे जाकर के कैसे क्या क्या घटनाक्रम हुआ था। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे ही जन्म लिए घर पे जन्म लेते घर से घर त्याग दिया। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बच्चा गर्भ से निकले और गर्भ से निकलते ही जो है वो घर छोड़ के चला जाए? अरे भाई वो तो चलना तो दूर की बात, वो तो अपने दम बैठ भी नहीं सकता, वो जाएगा कैसे? वो तो पेट के बल पड़ा रहता है कीड़े की जैसे, हिल भी नहीं सकता, करवट भी नहीं बदल सकता, तो जाएगा कैसे चल करके? वो अभी आएगा, क्योंकि और उन्होंने कोई संस्कार वगैरह नहीं किया, कोई संस्कारों की परवाह नहीं की, तुरंत जंगल की तरफ निकल पड़े, और विरह की भावना से पीड़ित होकर के व्यासदेव जी उनके पीछे पीछे भागे, क्योंकि पुत्र है, पुत्र भी पैदा होते ही भाग गया। यहाँ तो पुत्र जो है 20-25 साल माँ बाप की सेवा कर लेता, उसके बाद में संन्यास लेने की सोचता तो माँ बाप उसके पीछे पागल हो जाते हैं,
यहाँ तो जो है वो तो पैदा होते ही भागने लग गया, तो पुत्र विरह में जो है वो विहल होकर के व्यास देव जी उनके पीछे पीछे भागने लगे। तो व्याकुल अवस्था में व्यास देव जी चिल्ला रहे थे, हे पुत्र ठहरो, रुको मेरे पुत्र रुको। और उत्तर क्या मिलता था? सुखदेव गोस्वामी की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिलता था। उत्तर में उनकी ही आवाज वृक्षों से टकरा करके उनके कान में आती थी, पुत्र ठहरो पुत्र ठहरो, वही इको होकर के वही आवाज उनके कान में वापस आती थी, पुत्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आता था। तो उस दौरान जब सुखदेव गोस्वामी जब जा रहे थे तो एक सरोवर से होते हुए गुजरे, एक तालाब से होते हुए गुजरे। तो उस समय क्या होता था कि आजकल तो बाथरूम बन गए हैं, पहले जो है स्त्रियां सरोवर में स्नान करने जाती थी। खैर स्त्रियों का सरोवर अलग होता था, पुरुषों का अलग होता था, तो पुरुषों की उधर एंट्री नहीं होती थी, उधर जाते नहीं थे पुरुष, शर्म लाज हुआ करती थी। तो वहां पर स्त्रियां जब स्नान कर रही थी, सुखदेव सुखदेव गोस्वामी वो तो अलग ही भाव में, वो जब उस सरोवर के बगल से निकले तो वहां पर कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। उन्होंने अपने आप को वस्त्र से ढका ही नहीं, उन्होंने वस्त्र से अपने आप को ढका ही नहीं, उन्होंने जब सुखदेव को देखा तो उन्होंने अपने आप को वस्त्र से ढका ही नहीं, वो बिल्कुल निवस्त्र ही रही। लेकिन जब उनके पीछे पीछे व्यासदेव जी उधर से आए तो व्यासदेव जी को देखते ही तुरंत सबने अपने अपने तन ढक लिए, बोले हे भगवान ये आदमी आ गया। तो व्यासदेव जी ने पूछा कि जब आपने मेरे पुत्र को देखा तब तो आपने कुछ नहीं किया, और मेरे को देखते ही आप ऐसे कर रही हो, जब जबकि मैं तो बूढ़ा हूं और मैं तो व्यासदेव हूं, सारे शास्त्रों को लिखने वाला हूं, मुझे तो सब पता है कि ये जो है शरीर भौतिक नश्वर है, आत्मा हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है, फिर आप ऐसे क्यों कर रही हो। तो स्त्रियों ने कहा कि जब आपके पुत्र ने हमारी तरफ देखा था तो उनके उनकी दृष्टि में ये भेद नहीं था कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, वो इस भेद दृष्टि से पूरी तरह से ऊपर थे, वे स्त्री और पुरुष के बीच पाए जाने वाले भौतिक आकर्षण से भी परे थे। परस्पर स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण रहता है उस आकर्षण से भी परे थे, लेकिन आपकी दृष्टि में वो भेद है क्योंकि आप गृहस्थ है ना, जो गृहस्थ होता है उसको भेद करना पड़ता है, ये स्त्री है ये पुरुष है, भेद करना होता है उसको। और जो संन्यास बिल्कुल परमहंस लेवल पर है उसका तो कहना ही क्या। तो सुखदेव गोस्वामी तो परमहंस थे, परम परमहंस थे। तो दरअसल ब्रह्म व्यवर्त पुराण में वर्णन आता है कि जब जाबाली की पुत्री जो थी, जाबाली ऋषि की पुत्री, उनके साथ में व्यासदेव का विवाह हुआ, तो दोनों मिलकर अनेक वर्षों तक तपस्या किया, और तपस्या और उसके बाद व्यासदेव ने अपनी पत्नी के गर्भ से एक शिशु को स्थापित किया। तो वह बालक 12 वर्ष तक अपने माता के गर्भ में रहा, बाहर ही नहीं आया। अब आपको समझ में आ रहा है कि वो पैदा होते कैसे चला गया, क्योंकि 12 साल तक ग्रोथ उसकी पेट के अंदर ही हुई। नॉर्मली तो बच्चे 9 महीने तक रहते हैं, लेकिन वो 12 वर्ष तक गर्भ के अंदर रहा। ये संभव नहीं है किसी बच्चे के लिए अपने आप को अंदर रोक पाना, क्योंकि जब जैसे ही वो समय आता है गर्भ से बाहर आने का, तो उस समय अपने आप ही वायु का प्रेशर लगता है, उस प्रेशर से उसको बाहर आना होता है। वो 12 महीने तक गर्भ के अंदर रहा। जब व्यासदेव जी ने उस शिशु से बाहर आने के लिए बारंबार प्रार्थना की, भाई बाहर निकल जाओ बच्चे, बाहर आ जाओ, तो बच्चे ने अंदर से आवाज लगाई और अंदर से कहा कि ये माया बड़ी कठोर है, जन्म होइला पड़ी माया जाले, मैं बाहर निकलूंगा माया जाल में फंस जाऊंगा। दरअसल जब तक जीव गर्भ के अंदर रहता तब तक वो मायाजाल में नहीं रहता, वो भगवान से प्रार्थना करता है, उसको भगवान दर्शन भी दे देते हैं गर्भ के अंदर, उसको पुराने जन्म भी याद रहते हैं, लेकिन जैसे गर्भ से बाहर आता है वो सब भूल जाता है, गुप्त हो जाता है सब कुछ, बिल्कुल जीरो, क्लीन स्लेट, पापा मम्मी बुआ पानी रोटी ए बी सी डी का ख क ख, ये सब बोलना सीखता है वो, क्योंकि सब गुल कर देती माया देवी। तो सुखदेव गोस्वामी को बड़ा डर था कि अगर मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया देवी पकड़ लेगी। तो श्रील व्यास देव ने पूरा आश्वासन दिया कि तुम बाहर आ जाओ, परंतु चूंकि व्यासदेव अभी तक अपनी पत्नी और बच्चों में आसक्त थे तो बालक को जो है उनके शब्दों पे विश्वास नहीं हुआ कि ना ना आई डोंट बिलीव यू, आप कह रहे हो आ जाओ विश्वास दे, लेकिन मेरे को आपके ऊपर विश्वास नहीं है। तो अपनी इस समस्या को लेकर श्रील व्यासदेव कहाँ गए? श्री व्यासदेव द्वारका गए, कृष्ण के पास, और कृष्ण को जाकर के सारी बात सुनाए कि हे प्रभु ये सब चीजें हो रही हैं, आप रक्षा करो बताओ। तो व्यासदेव के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण व्यासदेव की कुटिया में आए और कृष्ण ने बालक को आश्वासन दिया, स्वयं वासुदेव आ रहे हैं,
भागवत में जिनकी चर्चा करने वाले हैं वो व्यक्ति स्वयं आ रहे हैं और वहां आकर के उनको आश्वासन दे रहे हैं कि चिंता मत करो, मेरी माया के गुण से तुम कभी भी प्रभावित नहीं होगे। क्योंकि कृष्ण गीता में भी कह देते हैं ये जो मेरे को मम माया दुरत्तया देवी है शा गुणमयी, मम माया दुरत्तया मेरी माया से पार पाना बड़ा कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है माया में ताम तरंती ते, वो मैं उसको माया को बोलता हूँ इसको छोड़ दो। तो कृष्ण खुद ऐसे गीता में कहते हैं। तो यहाँ भी कृष्ण ने व्यास देव को कह दिया कि तुम टेंशन मत लो, तुम चिंता मत करो, माया देवी तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, तो माया के गुणों से तुम प्रभावित नहीं होगे। फिर ये सुन करके फिर व्यास देव गर्भ से बाहर आते हैं और जैसे ही गर्भ से बाहर आते हैं वो डायरेक्ट परिव्रज का आचार्य सन्यासी बन जाते हैं। परिव्रज का मतलब जो व्रज व्रज करता रहता है, घूमता रहता है, एक जगह टिकता नहीं है। अगर किसी के घर में रुकता भी है तो केवल उतने ही समय तक जितना समय गाय का दूध निकालने में लगता है। तो ऐसे परिव्राजक सन्यासी बनकर के वो तुरंत घर से निकल पड़े। तो जब उद्विग्न होकर के व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी का पीछा कर रहे थे तो फिर क्या हुआ कि सुखदेव गोस्वामी ने एक्चुअली श्रीमद् भागवत में एक जगह, एक या दो जगह पे ऐसा शब्द आया है जिसमें लिखा है शुक कन्या, यानी सुखदेव गोस्वामी की पुत्री। लेकिन हम तो सुनते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने तो सन्यासी थे, उन्होंने तो कभी विवाह ही नहीं किया, तो फिर ये सुखदेव गोस्वामी की पुत्री कहाँ से आ गई। तो इस संदर्भ में ब्रह्म विवर्त पुराण में ये लिखा है कि जब सुखदेव गोस्वामी का पीछा कर रहे थे व्यासदेव, मेरे पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र कर रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी ने अपनी योग शक्ति से अपना एक क्लोन बना लिया, एक जो है फोटोकॉपी, एक डबल रोल बना लिया। तो ओरिजिनल सुखदेव तो सीधे चले गए संन्यास की तरफ और जो दूसरे सुखदेव जो उन्होंने अपने शरीर से दूसरा क्लोन बनाया वो व्यास देव जी ने पकड़ लिया और उनको घर पे लेकर के आ गए। और आगे चल करके वो सुखदेव जो व्यास देव वापिस लेके आ गए थे वो गृहस्थ बने और उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था कृत्वी, और उसने महाराज नीप से, भरत वंश के महाराज नीप से उनका विवाह हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी की एक पुत्री भी थी, लेकिन कौन से सुखदेव, उनका क्लोन जिन्होंने भागवत कही वो सुखदेव नहीं, दूसरे सुखदेव जो कि उन्हीं सुखदेव का एक क्लोन था, ये ब्रह्म विवर्त पुराण में ये वर्णन आता है। तो सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के थे जब वहां पर आए, 12 वर्ष के थे तो घर से निकले, तो घूमते घूमते जो है उनको काफी समय हो गया था, वो बिल्कुल निवस्त्र ही घूमते थे, उनको कोई बाहर की दुनिया से कोई सरोकार नहीं था, निवस्त्र ही घूमते थे। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ जब परीक्षित महाराज की सभा में पहुंचे तो यहाँ इनका जो है उम्र हो गई थी 16 वर्ष, तो 16 वर्ष के थे और उनके शरीर का रंग कैसा था, श्यामल वर्ण था, श्याम वर्ण के थे वो। उनके हाथ पैर जंघाएं भुजाएं कंधे मस्तक तथा शरीर के अन्य अंग सुकोमल थे, उनके नेत्र बड़े बड़े विशाल थे, नाशिका और कंठ जो है उनके उठे हुए थे, उनका चेहरा बहुत आकर्षित था, उनकी छाती चौड़ी थी और सुडोल थी, उनकी नाभि गहरी थी। असल में ये जो लक्षण बताए जा रहे हैं ये शुद्ध भक्तों के शरीर के लक्षण होते हैं। उनकी नाभि गहरी थी, उदर पर सुंदर रेखाएं अंकित थी, उनकी भुजाएं लंबी थी और बाल उनके घुंघराले थे और सुंदरता से उनके चेहरे को समेटे हुए थे। चारों दिशाएं ही उनके वस्त्र थे, अलग से वस्त्र धारण नहीं करते थे। उनकी रंग कांति, उनका जो शरीर का रंग जो है भगवान श्री कृष्ण के रंग के समान जो है दिखता था। इन सब तथा अपनी मृदु मुस्कान के कारण विशेषतः वो स्त्रियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे, स्त्रियां उनकी तरफ आकर्षित हो जाती थी उनका सुतना सुंदर रूप देख करके। वे एक ऐसे अवधूत की भांति इस पृथ्वी पर नग्न विचरण करते थे जो समस्त सामाजिक रीतियों और नियमों से परे होता है। अवधूत का मतलब होता है कोई लेना देना नहीं है, पूरी तरह से वो अलग ही लेवल पे, ट्रांसेंडेंटल लेवल पे होता है। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कौतूहलवश अपने साथ चल रही स्त्रियों और बच्चों के झुंड से घिरे थे। जब यहाँ सभा में आए तो कई सारी स्त्रियां और बच्चों को घेरे हुए थे, उनका कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित सभा में प्रवेश किया तो नारद मुनि व्यासदेव कुछ अन्य व्यक्तियों को छोड़कर
सबके सब उनके सम्मान में खड़े हो गए। नारद मुनि खड़े नहीं हुए, व्यासदेव खड़े नहीं हुए, और जो बड़े बड़े संत थे जो उनसे थोड़ा हायर पोजीशन में थे वो लोग खड़े नहीं हुए, बाकी सब अपना अपना स्थान छोड़ करके वहां पर खड़े हो गए। सुखदेव गोस्वामी का भव्य, इतना भव्य स्वागत जब उन स्त्री और बच्चों ने देखा जो उनके आगे पीछे डोल रहे थे, वो सब देख के हक्के बक्के रह गए। हाय रे, इस व्यक्ति का इतना सम्मान, इसका तो हम इतनी देर से मजाक उड़ा रहे हैं, ये नंगा पुंगा घूम रहा है और इसका इतना सम्मान हो रहा है, बड़ा सबके सब हक्के बक्के रह गए। और उसके बाद वो सबके सब डर गए कि बाप रे मामला गड़बड़ है, तो सबके सब वहां से वो स्थान छोड़ करके भाग गए। और फिर पूरा वातावरण वहां पर शांत हो गया और एक अद्भुत शांति और पूरे वातावरण में गंभीरता छा गई, पूरा सीरियस माहौल वहां पर हो गया। तब व्यास नंदन सुखदेव को एक उच्च आसन प्रदान किया गया। ऋषि मुनियों से घिरे वे असंख्य असंख्य सितारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे, जैसे चांद जो है चारों तरफ उसके सितारे रहते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी चांद के समान लग रहे थे और जितने भी ऋषिगण वहां बैठे थे वो सब के सब सितारों के समान लग रहे थे। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी वहां पर प्रवेश करते हैं। महाराज परीक्षित झुक करके उनको प्रणाम करते हैं और फिर करवत खड़े होकर के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और मधुर स्वर में सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम आपकी उपस्थिति मात्र से कृतार्थ हो गए, आपके यहाँ आने मात्र से हम कृतार्थ हो गए। आप जैसे संतों का तो केवल स्मरण ही पावन है, फिर साक्षात दर्शन और स्पर्श हो जाए और चरण का हम आपका चरण प्रक्षालन करें, आपके चरणों को धोएं और आपको आसन प्रदान करें, ऐसे कार्य हम करें आपके लिए, तो उसका कहना ही क्या। आप जो संतों को के बारे में तो बस सोचने मात्र से ही जो है पावन हो जाता है व्यक्ति, तो आपका स्पर्श करना, आपका दर्शन करना, आपके चरण धोना, आपको आसन प्रदान करना, इन कार्यों का तो कहना ही क्या। आपको यहाँ देखकर मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की मेरे ऊपर विशेष कृपा है। आप महान ऋषियों तथा भक्तों के गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उस पथ की व्याख्या करें जिसमें मनुष्य जाति का परम कल्याण हो, विशेष रूप से उनका कल्याण हो जो मृत्यु के निकट हैं। मनुष्य को किसका श्रवण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए और किसका पूजन करना चाहिए, और उस मनुष्य को किन किन कार्यों का निषेध करना चाहिए, वॉट ही शुड डू वॉट ही शुड नॉट डू, एंड स्पेसिफिकली मनुष्य का परम कल्याणकारी कार्य क्या है, विशेषतया उसका जो मरणासन्न है। इस प्रकार से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं। अगले सेशन में हम सुनेंगे कि सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं। पहली बार सुखदेव गोस्वामी अपने मुख से कुछ बोलेंगे, तो हम नेक्स्ट सेशन में सुनेंगे कि सुखदेव गोस्वामी क्या उत्तर देते हैं, क्या बोलते हैं। उनके उत्तर जो है एक से बढ़कर के एक उत्तर है सुखदेव गोस्वामी के, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन और कमेंट? मीना अवस्थी, हरे कृष्णा। मीना माता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हमें रोज सुनना है, हमें भागवत रोज रोज सुनना सुनना है, लेकिन हमारे लिए संभव है नहीं कि हम आपको रोज सुना सकें। यदि संभव हो तो जी। आप रोज मंदिर में आइए, रोज सुबह 8 बजे भागवत होती है, प्रभु जी रोज मैं सुबह मंदिर 8 बजे नहीं आ भागवत। सकती, बहुत दूर हूँ मंदिर से, 40 किलोमीटर दूर। हाँ, ये क्या करें, थोड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन हम डेली कर पाना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं मंदिर में कुछ ऐसा जो है डेली सुबह मॉर्निंग 8 बजे जो भागवत क्लास होती है वो लाइव हो, ताकि आप लोग भी सुन सके भागवत कथा। लेकिन ये जो शनिवार की क्लास है, कथा है, ये तो हम शनिवार शनिवार को ही कर पाएंगे। तो प्रभु जी देखते 2-3 दिन बढ़ा दीजिए। हैं, प्रयास करेंगे। तो जी एक क्वेश्चन और था, ये अपने जन्माष्टमी कल मनाएंगे? जी नहीं, जन्माष्टमी परसों की है, और मैं उन भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने जन्माष्टमी के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है।
वैसे तो लवीना खारे माता जी का कंट्रीब्यूशन आया है और कई भक्तों का आया है, मधु माता जी का आया है और दीपिका शारदा माता जी का आया है, प्रियंका शर्मा माता जी का आया है, और नाम की लिस्ट लंबी हो गई है। तो हम आई थैंक यू वेरी मच, और फिर भी अप्रिशिएशन के लिए मैं एक बार लिख करके भेजूंगा नाम। खैर कई भक्त हैं जो नहीं चाहते उनका नाम लिख करके, लेकिन नाम लिख के भेजने में ये है कि और जैसे मेरे जैसे भक्त हैं उनको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है सेवा करने का, कि भाई इतने सारे भक्त कर रहे हैं, इन्होंने किया है तो हम भी थोड़ा सा सेवा करें। तो जस्ट फॉर इंस्पायरिंग अदर्स जो है हम ऐसे लिखते हैं नाम। बाकी नाम का भी बड़ा महत्व है, शास्त्रों में आता है खाली पुण्य कमाना ही काफी नहीं है, नाम भी होना चाहिए, आपका नाम भी लोग याद करना चाहिए। ये कथा आती है इंद्रद्युम्न महाराज की, वो ब्रह्मलोक में थे, ब्रह्मलोक में निवास कर रहे थे, लेकिन ब्रह्मलोक से उनका पतन इसलिए हो गया, पुण्य तो उनके इतने थे कि वो कई ब्रह्मा मरे तब तक वो वहां पर रह सकते हैं, लेकिन उनका पतन इसलिए हो गया कि उनका नाम यहाँ लोग लेना भूल गए, नाम उनको कोई जानता ही नहीं था इंद्रदुम्न नाम। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ और अपना नाम रिवाइव करो और फिर तुम आ सकते हो। तो बड़ी लंबी कथा है, स्कंद पुराण में कथा आती है। तो खाली पुण्य ही नहीं, पुण्य के साथ में नाम भी जरूरी होता है, तो इसलिए हम जो है नाम बताते हैं। नाम बताने से क्या कि देवी देवता ही प्रसन्न होते हैं, उनको ही मालूम चलता कि अच्छा इन्होंने किया, अच्छा इन्होंने भी सेवा किया, अच्छा इन्होंने। कई लोग गुप्त दान करते हैं, कहते हैं भी हैं कि गुप्त दान महादान, अच्छी बात है गुप्त दान, वो तो एक तरह से निष्काम हो गया, चलो ठीक है, वो कुछ चाहिए ही नहीं, आपको स्वर्ग सुख भी नहीं चाहिए, और वैष्णव जो होता है उसको तो कोई लेना देना ही नहीं है स्वर्ग सुख वगैरह किसी से भी, लेकिन हम उतने उच्च कोटि के वैष्णव हैं नहीं, तो नरक में जाने के बजाय कम से कम जो है पुण्यों की प्रताप से जो है अपने को जीवन तो सुखद मिले, तो उसके लिए जो है नाम भी आवश्यक है देवताओं की दृष्टि से, दैट इज द थिंग। ओके, तो जन्माष्टमी परसों की है, तो जो भक्तों ने सेवा दी वेरी नाइस, और जो भक्त जन्माष्टमी के दिन अभिषेक करना चाहते हैं, वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी आज लास्ट डे है इसलिए मैं लास्ट अनाउंसमेंट कर देता हूँ, जो भक्त ठाकुर जी का अभिषेक करना चाहते हैं, गिरिधारी दाऊ जी का अभिषेक करना चाहते हैं, उनके लिए मिनिमम 7,500 की सेवा रखी है। वो इसलिए रखी है ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो, कंट्रोल हो, और जो वास्तव में इच्छुक हैं वो आकर के अभिषेक कर सकें, और जो नहीं कर सकते फाइनेंशियली अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उनके लिए जैसे हमने बलराम जयंती के दिन रखा था, तो उन्होंने बलराम जयंती के दिन आकर के कृष्ण बलराम गिरधारी दाऊ जी का अभिषेक किया ही, और फिर भी अगर कोई चाहते हैं तो शायद आई थिंक अभी कन्फर्म नहीं है राधाष्टमी के दिन भी अभिषेक होगा राधा मदन मोहन का, तो ये कंफर्म नहीं है कि सबके लिए होगा, और लेकिन प्रोग्राम जरूर होगा, प्रोग्राम में आप इनवाइटेड हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका कोई चार्ज वगैरह ऐसा हम रेस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे। जन्माष्टमी का रेस्ट्रिक्शन हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से थोड़ा प्रेशर है, वो भी कह रहे हैं कि आप पब्लिक को अलाउ नहीं कर सकते हैं, आप केवल उन्हीं को अलाउ कर सकते हैं जो आपके सहयोगकर्ता हैं अभिषेक करने के लिए आएंगे, उनको अलाउ कीजिए और आप पब्लिक को अलाउ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग बाध्य हैं पब्लिकली ओपन करने के लिए 30 और 31 दोनों दिन के, नंदोत्सव के लिए भी उन्होंने मना किया है और 30 के लिए भी, जन्माष्टमी के दिन के लिए मना किया है, 1 तारीख से मंदिर वापस से खुल जाएगा जनरल पब्लिक के लिए भी। फिर भी आप राधा रानी की कृपा चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, अभिषेक करना चाहते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अभिषेक अलाउड करेंगे, जैसे बलराम पूर्णिमा पे किया था राधाष्टमी के दिन भी अलाउड करेंगे, लेकिन फिर भी जन्माष्टमी के दिन विशेष कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप अभिषेक करना चाहते हैं, तो कल कल का दिन आपके पास में है, कल मेरे पास में शाम तक का समय है, आप अगर कोई सेवा देते हैं तो मैं आपके घर पर पहुंच करके आपको जन्माष्टमी का कार पास और वो जो अभिषेक पास है वो आपको प्रदान कर दूंगा, और फिर भी कोई अगर ऑनलाइन ही भगवान के वर्चुअल दर्शन करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, ऑनलाइन दर्शन होंगे, और कोई बाहर रहता है वो हमारा गेस्ट हाउस फैसिलिटी है, आप गेस्ट हाउस में आकर के भी रुक सकते हैं अगर आप अभिषेक सेवा करते हैं तो। जो अभिषेक सेवा नहीं कर रहे हैं उनके लिए गेस्ट हाउस रिजर्व, एक्चुअली गेस्ट हाउस पूरी तरह से भी क्लोज रहेगा, रिजर्व रहेगा केवल उन्हीं भक्तों के लिए जो भक्त अभिषेक सेवा करते हैं उनके लिए, तो दैट इज द थिंग। हरे कृष्णा बाबा माता जी, आप पूछिए, कुछ पूछना चाह रही थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली सर से भी इतनी बार भागवतम सुनी है, लेकिन आपसे जो सुनी है और उसमें जो सुखदेव जी का आपने क्लोन वाला रूप बताया है वो पहली बार सुन के बहुत अच्छा लगा, एक नई जानकारी मिली, इसके लिए थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। ये इन्फॉर्मेशन
आप कुछ बोल रही हैं? हाँ, मैं बोलते, आपने उनकी पुत्री का नाम क्या बताया था प्रभु जी? उनकी पुत्री का नाम था कृत्वी। कृत्वी, हाँ, के आर आई। तो ये, हाँ, ये पहली बार ये जो सुना है ना उनके बारे में, वो बहुत अच्छा लगा, एक नई जानकारी थी सुखदेव महाराज जी के बारे में, तो इसके लिए थैंक यू प्रभु जी आपको। हाँ जी, ये श्रीमद भागवत में ही इसका वर्णन आता है, नवम स्कंद में, और ब्रह्म विवर्त पुराण में थोड़ा डिटेल में वर्णन आता है इसका। नवे स्कंद में एक शुक कन्या करके एक शब्द आता है, शुक कन्या, तो उसके तात्पर्य में श्री रूपा जी इस कथा को थोड़ा सा बताते हैं। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, सो वी विल डू कीर्तन नाउ। अगर किसी को जब तक कोई प्रश्न आता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर कोई बिग क्वेश्चन आए तो आप बाद में हैंड रेज कर सकते हैं आफ्टर द कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय गिरधारी दाऊजी, गिरधारी दाऊजी, गिरधारी दाऊजी, जय गिरधारी दाऊजी। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। माफ कीजिएगा, मैं इतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ, इतनी मधुर वाणी में गा नहीं सकता मैं ज्यादा। हरे कृष्णा। सो वैभव बालाजी का हैंड रेज हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा और एंड तक आ जाएगा, तो जैसे अभी ये हालत हो रखी है कि लोग भक्ति नहीं करते, तो तब क्या हालत होगी? इसलिए विचारमान मनुष्य को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जाए बाहर, क्योंकि आगे हालत खराब होने वाली है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में भयंकर वर्णन दिया गया है, और भविष्य पुराण में तो आहा, भविष्य पुराण में तो कलयुग की पराकाष्ठा तक का पूरा अच्छे से डिटेल में वर्णन है। तो इसलिए अपने को, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इसी जन्म में या फिर जो भी गिरते पड़ते, ये जो स्वर्णिम काल जो चल रहा है अभी, गोल्डन पीरियड जिसमें भक्ति कर पा रहे हैं जैसे तैसे, तो जो है इसमें ही निकल जाना चाहिए। ये बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से लगा करके आगे आने वाले 10,000 साल स्वर्णिम काल रहेगा, यानी गोल्डन पीरियड। उस समय भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा। इवन एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि ऑलमोस्ट सभी लोग जो है भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे। अभी प्रभुपाद की कृपा से अभी हम देख सकते हैं कि दुनिया के हर देश में कहीं ना कहीं हरिनाम कीर्तन होता है, मंगल आरती होती है, अलग अलग देश के लोग जो हैं, अलग अलग जाति संप्रदाय समाज के लोग भी कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्वर्णिम काल चल रहा है। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि अरे काय का स्वर्णिम काल चल रहा है, ये लोगों कितने सारे सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, लोग भोग विलास में इतना डूब रहे हैं, धर्म को कोई देख नहीं रहा है। तो हाँ, कलयुग का प्रभाव है, लेकिन ये अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो 10,000 साल तक का स्वर्णिम काल है, तब तक आप भक्ति कर रहे हो तो कोई आपको आकर के परेशान नहीं करेगा। लेकिन जब स्वर्णिम काल निकल जाएगा, उसके बाद तो भक्तों को ढूंढ ढूंढ करके मारेंगे, जैसे अभी आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, वैसे भक्तों को ढूंढ ढूंढ करके मारेंगे। इसीलिए भक्त बेचारे परेशान होकर के जो है कहीं जंगलों में, गुफाओं में, कंदरों में जाकर के हरिनाम जप करेंगे, क्योंकि बाहर हालत खराब। अभी तो आप आराम से धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के घूम सकते हो। कुछ कुछ देश तो ऐसे हैं वहां अगर आप ऐसे घूमोगे तो पकड़ के डाल देंगे, अभी वहां पे कलयुग का प्रभाव अभी देखने को मिल जाता है। तो इसलिए अभी मौका है आराम से अपना जीवन शुद्ध करने का, परफेक्ट करने का, और यहाँ से निकल लेने का। कलयुग में हालत खराब होने वाली है, भयंकर हालत खराब होने वाली है। बताया गया है कि आयु खत्म हो जाए, आयु ऑलमोस्ट जो है बहुत कम हो जाएगी। ये बताया गया कि कलयुग के अंत के समय में आयु मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। जैसे अभी मैक्सिमम 100 वर्ष बताइए ना, तो उस समय मैक्सिमम 20 वर्ष रह जाएगी। 8-9 साल के तो जो है बच्चे वगैरह पैदा करके माँ बाप बन जाएंगे 8-9 साल के, 8-9 साल की उम्र होते होते, क्योंकि आयु घटती जाएगी और दया खत्म हो जाएगी। आयु खत्म हो जाएगी, दया खत्म हो जाएगी, उम्र ये और हाइट कम हो जाएगी, और आयु, उम्र, हाइट और एक और चीज धर्म खत्म हो जाएगा। तो उस प्रकार से जो ये चार चीजें जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे खत्म होती जाएंगी। व्यक्ति केवल जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जिसका जो है जिसके कब्जे में ले लिया वो उसी का होगा, और जो पावरफुल आदमी है वो कमजोर आदमी को दबाएगा और उसका धन हड़पेगा। और इवन
ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि जब, क्योंकि पाप इतना बढ़ जाएगा, लोग पेड़ों पौधों को काट देंगे, जितने जानवर हैं संसार में सबको खा जाएंगे, खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो एक इंसान दूसरे इंसान को खाएगा, कैनिबल बन जाएगा, इवन जो पावरफुल होगा वो कमजोर को मार करके खाएगा। पता चला किसी का फ्रिज खोला आपने तो उसमें जो है मुंडी निकल रही है ये स्थिति तक आ जाएगी, ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि हालत खराब होने वाली है आगे जा करके। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ऐसा भयावह रूप देखने से पहले ही यहाँ से निकल जाए। एक कथा आती है, मैं कौन सा पुराण पढ़ रहा था, आई थिंक स्कंद पुराण ही था, तो उसमें जो है वर्णन आता है कि सारे संत महात्मा भाग रहे थे, जैसे अभी आपने देखा ना काबुल एयरपोर्ट में सब वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, एयरप्लेन पे चढ़ रहे हैं, पट पट गिर रहे हैं, तो क्योंकि वहां से भागना चाहते हैं क्योंकि तालिबान वो अटैक कर रहा है और सब लोग वहां पर दुखी होने वाले हैं, व्हाटएवर जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है, बच के भागना चाहते हैं उस दयनीय स्थिति से। उसी प्रकार से एक बार सारे संत लोग वैसे ही भाग रहे थे, और ऐसे भाग भाग करके अपना आकाश मार्ग से उड़ के, कोई आकाश मार्ग से उड़ के जा रहा था, कोई जल मार्ग से जा रहा था, कोई थल मार्ग से जा रहा था, पूरा एयरफोर्स और नेवी और मिलिट्री सारी मामलों से जा रही थी वो। लेकिन एक बार एक संत ने पूछा रोक करके किसी को, भाई हुआ क्या, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है, तो हम तो बचा, जान बचा के हम सब कहाँ जा रहे हैं, कल्प ग्राम को जा रहे हैं। वो कल्प ग्राम आज भी है, बताते हैं कि जो माउंट मेरू है, माउंट मेरू के दूसरी तरफ में कल्प ग्राम है, उस कल्प ग्राम में कभी भी न तो त्रेतायुग का प्रभाव आता है, न द्वापर युग का आता है, न कलयुग का आता है, वहाँ हमेशा सतयुग का प्रभाव ही रहता है, वहाँ पर हमेशा संत महात्मा रहते हैं, सतयुग जैसी सिचुएशन रहती है वहाँ पर एवरी सिंगल टाइम। जब ब्रह्मा खत्म होते हैं तभी वो कल्प ग्राम खत्म होता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया। ब्रह्म ये छोटी छोटी प्रलय आती हैं, छोटी छोटी प्रलय में कल्प ग्राम खत्म नहीं होता, और जब इस संसार के जब प्रलय आएगी सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, तो अभी कल्प ग्राम में सतयुग के समय जो राजा थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, राजा और रानी, वो अभी कल्प ग्राम में रह रहे हैं, तो जब कलयुग एंड होगा पूरा पार्शल जो प्रलय आएगी सब कुछ पानी में जलमग्न हो जाएगा, तो फिर वो राजा और रानी, वो उनका नाम मैं अभी मिस कर गया, मेरे माइंड से कोई याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं बताऊंगा, वो फिर वापस से इधर आएंगे भूमंडल में, और यहाँ भूमंडल पे आकर के वो कल्प ग्राम फिर यहाँ पर वापस से वो जो है प्रोक्रिएशन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे प्रोजेनी, फिर वो सतयुग का समय वापस से शुरू होगा। तो सबके सब संत जो है कल्प ग्राम में भाग रहे थे, क्यों भाग रहे हो भाई? क्योंकि कलयुग आ गया है, अब दशा खराब होने वाली है। तो वो संत ने सोचा अच्छा कलयुग में ऐसा होता क्या है, मैं रुक करके देखता हूँ, तो वो रुक गया, सब भाग गए, रुक गया। अब कलयुग के प्रभाव जब बढ़ने लगा, ये तो तब की बात है 5000 साल पहले की बात है, और अब तो हम 5000 साल बाद में सिचुएशन और ज्यादा अभी तो वर्स्ट, वो देखने लगे कि कैसे जो है गौ हत्या हो रही है, लोग गौ का मांस खाने लग गए हैं, लोग जो है व्यभिचार में तल्लीन हो गए हैं, लोग भयंकर जुआ खेल रहे हैं, जो संत प्रवृत्ति के जो व्यक्ति थे उनकी चेतना भी खराब हो गई है, वो भी जो है व्यभिचार आदि में लिप्त हो गए हैं, वो देख करके उनका हृदय जो है पशीस गया, और वो भी तुरंत अपना बोरिया बिस्तर पैक किए और वो भी वहां से भाग गए। तो जो संत होते हैं वो ऐसी भयावह स्थिति में रहना नहीं चाहते, तो इसलिए जो है हमें चाहिए कि हम अपना बोरिया बिस्तर पैक करके हम भी भागे यहां से। एक उसके लिए बोरिया बिस्तर पैक करने का अर्थ है अच्छे से हरिनाम जप करो, अच्छे से कथा सुनो, प्रसाद खाओ, भगवान के दर्शन करो, और जीवन को शुद्ध बनाओ, पाप कर्मों में लिप्त मत हो, जब मृत्यु आएगी तो अपने आप ही जो है हम वैकुंठ भगवान के धाम को, गोलोक धाम को प्राप्त हो जाएंगे, तो निकल जाओ यहाँ से, दैट इज द सिचुएशन। हरे कृष्णा रितम ब्रह्म जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैन यू हियर मी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैंने सबसे पहले तो अपना हैंड रेस तभी किया था जब आपने बोला कि माय वॉइस इज नॉट मेलोडियस, तो हम आपको ये कहना चाहते हैं, आप जब कीर्तन करते हैं तो आप तो भाव और विभोर होके गाते ही हैं, हम सब भी भाव विभोर होके सुनते हैं। आई थिंक बीच में रेखा माता जी का भी चैट में मैसेज सेम लाइंस पे आ गया है, तो थैंक यू फॉर दैट। फर्स्टली मेरे दो छोटे सवाल हैं प्रभु जी। एक तो ये कि जन्माष्टमी वाले दिन जैसे हम लोग झूले पे बिठाते हैं और झूला झुलाते हैं, तो कुछ लोग या कुछ फ्रेंड्स जैसे जो स्पॉन फॉलोअर्स नहीं है वो लोग सुबह ही बिठा देते हैं, तो हमारा कोई निश्चित टाइम है क्या जिस टाइम पे हमें उनको झूले पे बिठाना चाहिए, लड्डू गोपाल जी को या देवी? स्कॉन में तो झूला यात्रा बलराम जयंती से पहले पहले रहती है, हम लोग राधा कृष्ण की झूला यात्रा करते हैं एकादशी से लगा करके बलराम पूर्णिमा तक, यानी 5 दिन की झूलन यात्रा होती है। बाकी गोपाल जी को तो, गोपाल जी तो नॉर्मली तो मैंने देखा कि कई लोग तो झूले पे ही रखते हैं हमेशा ही, मतलब उनका आसानी झूला होता है,
नॉर्मली, क्योंकि वो बालक रूप में है तो पालने में उनको ललना पालना कर रहे हैं, तो इट्स ऑल राइट आई थिंक, नो प्रॉब्लम। आप दिन में रात को, जैसे भी छोटे बालक को तो हमेशा पालने में रहता है वो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, तो इसमें कोई, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन प्रभु जी ऐसा था मेरा कि जगन्नाथ जी ने मेरे घर आने का भाव रखा, ऐसा मैं कहती हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे अपने डेटीज मुझे गिफ्ट किए थे और मैं घर लेके आई उनकी जो भी सेवा और वो हुई थी उसी टाइम पे जब जगन्नाथ यात्रा चल रही थी। तो अब मुझे सवाल यह है कि मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि वो थोड़े से खंडित हैं या थोड़ा सा टूटा फूटा है मेरे मन में, तो शुड आई चेंज देम या उसको रिपेयर करूं या उनको प्रवाहना चाहिए और न्यू डेटीज ले आने चाहिए, ऐसा कोई व्यवधान है, कुछ करना चाहिए? एक्चुअली अगर खंडित हो जाते हैं तो उनकी वर्शिप नहीं करते हैं खंडित विग्रहों की। जी नॉर्मली तो क्या कि हम इंस्टॉलेशन तो करते नहीं है, हम विग्रह लाते हैं और डायरेक्ट सेवन की सेवा चालू कर देते हैं। जी और उसमें अगर आप खंडित हो गए और आप चेंज कर लें तो उसमें कोई वो नहीं है, अपराध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं चेंज। और लेकिन अगर आपकी आसक्ति है कि ना यू आर सो मच अटैच्ड विद इट, नहीं, आई वॉज गिवन बाय समवन, सो मेरे को यही मन में भाव आया, तो इनको प्रवाना चाहिए प्रभु जी या जैसे अगर खंडित हो गए हैं, पूरी तरह से खंडित हो गए हैं, तो आप वो जो है खंडित विग्रहों की सेवा नहीं की जाती है, तो आप प्रवाह कर सकते हैं। और आप जगन्नाथ जी से आ सकते हैं तो आप दूसरे जगन्नाथ जी ला सकते हैं। जी? थैंक यू सो मच, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, सबका खूब खूब सारा सब अच्छा से गुजरे, थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, कथा सुनने के लिए। तो हम अब कथा एंड करेंगे और जन्माष्टमी के दर्शन ऑनलाइन होंगे, जो भक्त नहीं आ पाएंगे उनके लिए यूट्यूब और फेसबुक, आई थिंक जूम पे भी करेंगे, उसके लिंक्स वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा। और एक और चीज़, मैं पर्सनली सोच रहा था कि आप लोग अगर मंगला आरती के दर्शन करना चाहते हैं तो नॉर्मली आई थिंक दर्शन लाइव होंगे, इन केस अगर लाइव नहीं होते हैं तो मैं अपने जूम से लाइव करूंगा आप लोगों को दर्शन करवाने के लिए। तो उसका लिंक जो है मैं सुबह मैं पता कर लूंगा यहाँ से लाइव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से लाइव नहीं होगा तो मैं आपको लिंक सुबह भेज दूंगा 4:15 के अराउंड, फिर आप जो है ज्वाइन करके मंगला आरती दर्शन कर सकते हैं उस दिन। और आप दर्शन आरती के दर्शन भी करना चाहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली दर्शन आरती के दर्शन यहाँ पे शुरू होंगे 8, 8:30 बजे, तो वो लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा। अगर नहीं हो पाता किसी कारणवश यहाँ से तो मैं अपने पर्सनल जूम से करूंगा और अपने ग्रुप में मैं लिंक भेज दूंगा, तो आपको मैं भगवान के लाइव दर्शन भी करवा दूंगा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आई एम एंडिंग द मीटिंग हियर। हरे कृष्णा।